रेसलिंग लीग 2015 का चौथा मुकाबला अब आपके सामने आने वाला है वुमेन्स 69 किलोग्राम कैटेगरी। एडलिन ग्रे मुंबई टीम की आइकन, यूएसए की वर्ल्ड चैंपियन 24 वर्षीय रेसलर, और उनका मुकाबला करेंगी पंजाब की तरफ से वैसलीजा मार्जल्यूक 28 वर्षीय रेसलर बेलारूस की हैं। 23 लाख में उनकी जो बेस प्राइस थी पर 40 लाख पे वो बिकी थी, पर कहीं ना कहीं लगता है जो बोली लगी है वो कई गुना ज्यादा। पर यह मुकाबला अब आरंभ होता हुआ, आगाज होता हुआ अहम मुकाबला 69 किलो वर्ग की अब दोनों ही महिलाएं। मुकाबला अहम इस वजह से भी है क्योंकि पंजाब की टीम ने पहले ही 2-1 की बढ़त ले ली है। पंजाब की टीम काफी स्ट्रॉन्ग मानी जा रही है इस पूरे कॉम्पिटिशन में। पहले व्लादिमिर किंटरगाश्विली ने अपना मुकाबला जीत लिया, जॉर्जिया के वर्ल्ड चैंपियन, और फिर उसके बाद मुंबई ने थोड़ी वापसी की दूसरे मुकाबले में वुमेन्स 53 किलोग्राम कैटेगरी में, और फिर से अब चौथे मुकाबले में हम लेके आए हैं वुमेन्स 69 किलोग्राम कैटेगरी। एडलिन ग्रे जो मुंबई को रिप्रेजेंट कर रही है, मुंबई की कप्तान है, आइकॉन प्लेयर है, और अच्छी शुरुआत। जी हाँ बिल्कुल, वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। निश्चित तौर पर ये प्रतियोगिता के स्तर का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एक ही दिन के अंदर दो मुकाबले, और ये बगल डूब किया था खूबसूरती के साथ, और वहीं उन्होंने अंक बटोरा और वहीं भारंदाज की पोजीशन, पहले बगल डूब और फिर भारंदाज, और ये ब्रिज की पोजीशन पर उनको धकेला, और यहां बहुत ही रोमांचक संघर्ष दिखता हुआ इस मुकाबले में। और यहां पहले कुंदे उठाने का प्रयास कर रही थी और एन वक्त पर उन्होंने अपना इरादा बदला और लगता है अब ईरानी लगाना चाह रही हैं, और फिर ईरानी का भी उन्होंने इरादा बदला, फिर वो भारंदाज की ग्रिप बनाना चाह रही थी और फिर से ईरानी, जिसे स्कैग दाव भी कहते हैं, उस दाव का उन्होंने प्रदर्शन किया। यह है महावीर, मुंबई टीम के कोच। यार काफी बढ़िया यहाँ पे एडलिन के लिए, 4-1 से आगे, और देखिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2012-14-15 में गोल्ड मेडल उन्हें जीता हुआ है, और आत्मविश्वास झलक रहा है जिस प्रकार यहाँ पे उतरी हैं, और कहते हैं आत्मविश्वास वो संबल है जो रास्ते की सारी बाधाओं को धराशायी कर देता है, और वो आत्मविश्वास झलक रहा है। बढ़िया शुरुआत एडलिन के लिए इस मुकाबले में। एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है एडलिन के पास, वो साफ नजर आ रहा है इस मुकाबले में भी। 6-1 की बढ़त पहले ही 1.5 मिनट में पहले राउंड में एडलिन ने ले ली, और जो उनका परंपरागत दाव है जो भारतीय पहलवान भी लगाया करते हैं, ये हैं अनिल मान और कुलदीप, कोच पंजाब टीम के। और निश्चित तौर पर मैं तारीफ करूंगा कि यहाँ बगल डूब हो चाहे निकाल हो, उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ वो लगा रही हैं, और जो इस वक्त देख रहे हैं जो कुश्ती प्रेमी और खासकर जो पहलवान अखाड़ों में कुश्ती करते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी मिसाल है कि यहाँ पर इस बार खतरा हो सकता था, क्योंकि जो पीला जोन है, लक्ष्मण रेखा है कुश्ती की, उसको लांघने की और वो धकेलने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर बहुत जल्दी वापस आती हुई और कहने के वहां से बची, पर मुझे लगता है कि आप जो आर्म रीच है उसका बहुत बढ़िया प्रयोग कर रही है दोनों ही खिलाड़ी। वैसलीजा की बात करें, अंक चाहिए उनको इस मुकाबले वापस आने के लिए, ज्यादा समय नहीं इस राउंड में, लगभग अभी अब 40 सेकंड का समय शेष, तो वापसी करनी होगी, अंक लेने होंगे क्योंकि अच्छी बढ़त है एडलिन के पास। यह मुकाबला खासकर याद रखिए मुंबई गरुड़ा टीम के लिए, अगर वापसी करनी है क्योंकि 3-1 की अगर बढ़त हो जाएगी प्रीति तो वो कठिन रहेगा फिर मुंबई गरुड़ा के लिए, बहुत ज्यादा कठिन होगा वहां से वापसी करना। लेकिन अजय, अगर इस मुकाबले में देखें तो फिलहाल वैसलीजा पहले ही थकी हुई नजर आने लग गई है, 3 मिनट खत्म होने वाले हैं पहले राउंड के, और एडलिन की पकड़ इतनी मजबूत है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वैसलीजा हताश होती जा रही है। जी और ज्यादा समय नहीं, अब जी हाँ ये राउंड समाप्त होता हुआ और पक्ष में रहा है पूरी तरह से। अगर आप बात करें एडलिन ग्रे के, एक अच्छी बढ़त मिल चुकी है और अब एक ब्रेक आती हुई इस मुकाबले में, 6-1 से आगे एडलिन ग्रे। एक की बढ़त से राउंड एक जीत गई थी वैसलीजा मार्जल्यूक के खिलाफ, तो मुंबई की खिलाड़ी ने पहले राउंड में बढ़त ले ली, और क्यों ना ले, वर्ल्ड चैंपियन है। जी हां प्रीति, और दबदबा बना के रखा है, बहुत सरलता से आगे बढ़ रही है, ऐसा लग नहीं रहा कोई कठिनाई है, कोई मुश्किल है, कोई चुनौती उनके सामने। और यहां भी अगर आप देखें पूरी तरह से कंट्रोल में, और यहां पे कुछ अलग करना होगा वैसलीजा को अगर वापस आना है इस मुकाबले में। बेलारूस की है वैसलीजा और कहने के संघर्ष करती हुई इस मुकाबले में अभी तक। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिन्हें जमाना बना गया। जी हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि एडलिन ग्रे इस बात को सही मायने में चरित्रार्थ करती हुई साबित करती हुई। 24 वर्षीय यूएसए की रेसलर बहुत कंट्रोल में है, 3 टाइम की वर्ल्ड चैंपियन है। हालांकि यहां पर वैसलीजा से शुरुआत में थोड़ी उम्मीद लग रही थी कि वो कुछ कट्टर का मुकाबला देंगी, उन्होंने कोशिश भी काफी की, लेकिन राउंड 2 तक आते आते अजय क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हिम्मत हारती जा रही है, बिकॉज रेसलिंग जो है 3 लेवल पर खेली जाती है, शारीरिक, मानसिक, तकनीकी, तीनों ही एरियाज में एडलिन फिलहाल काफी आगे नजर आ रही है।
बिल्कुल सही कहा। और कहना के मुश्किल ये है कि ज्यादा समय नहीं है, ये दूसरा राउंड है, ज्यादा समय शेष नहीं है। दूसरे राउंड में भी अगर आप देखें लगभग एक मिनट का खेल हो चुका है और चिंताएं बढ़ती हुई उनके लिए। वैसे लिसा को कुछ अलग करना होगा कि एडलिन ग्रे की जो फॉर्म है, जो विश्वास है, जिस आसानी से आगे बढ़ रही है, जो टेक्निक की आपने बात की प्रीति, वो बहुत शानदार है। और ऐसा लग रहा है कोई मौका नहीं दे रही, कोई अवसर नहीं देख रही, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि अभी तक। रेफरी ने शायद एक वार्निंग दी फिलहाल एडलिन ग्रे को, और एडलिन ग्रे जानती हैं कि वो 5 अंकों की महत्वपूर्ण बढ़त बना चुकी हैं, और यही सबसे बड़ी उनकी खासियत है कि वो रेफरी को ये नहीं लगता कि वो पैसिविटी दी जाए उनके खिलाफ, क्योंकि उनका एक्शन लगातार चलता रहता है। लेकिन वो अंक नहीं बटोर रही है, ये बात समझ में आती है, क्योंकि वो अच्छी खासी बढ़त बना चुके हैं। और बिना मतलब पर एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी और बहुत सारे मुकाबले अभी होने हैं, ये तो महज एक शुरुआत है। मुंबई की आइकन प्लेयर, मुंबई की कप्तान एडलिन ग्रे बहुत कंट्रोल में नजर आ रही हैं फिलहाल इस मुकाबले में पंजाब के खिलाफ, और मुंबई के लिए ओवरऑल अच्छी खबर है क्योंकि पंजाब ने फिलहाल 2 मुकाबले जीत लिए हैं मुंबई की 1 के बदले। अगर मुंबई ये मुकाबला जीतता है तो 2-2 की बराबरी पर होंगी दोनों टीम। और अगर पंजाब कहना कहीं अब यह हारता है तो बहुत जबरदस्त स्थिति में पहुंच जाएगा ये मुकाबला, क्योंकि अब ये पूरा मैच कहीं ना कहीं 2-2 की बराबरी पर, तो मतलब है कि अहम मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। हैडली ने एक बार फिर देखिए किस प्रकार गिरफ्त ला लिया है, यहाँ पे पकड़ मजबूत है, पर किसी तरह से उसको छुड़ाते हुए। अजय तारीफ करनी होगी डिफेंस की, वैसेला का डिफेंस बहुत ही अच्छा, दोहरे पट उन्होंने जो लगाए थे बहुत ही बखूबी, उससे लगा था कि कम से कम जो वो इस तरह की तकनीक लगाती है उस पर वो चितपट के आधार पर ही कुश्ती का फैसला करती है। लेकिन यहाँ पर बाल बाल बची थी, और ना सिर्फ वैसेला ने अपने कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया बल्कि उस खतरे को भी टाल दिया। जी हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया टेक्निक, क्योंकि बहुत जल्दी पीछे हटी और अपने आप को छुड़ाया वहां पे, और अब फिर से संघर्ष चलता हुआ। पर प्रीति समस्या ये है ज्यादा समय शेष नहीं, और वही शायद कोच भी इनको कह रहे हैं कि जो करना है जल्दी करना है। अजय यही सबसे बड़ी समस्या है, सिर्फ 20 सेकंड बाकी हैं इस मुकाबले में। मुंबई की रेसलर एडलिन ग्रे पूरी तरह से कंट्रोल में है, वैसेलिसा ने काफी कोशिश की कि अच्छे डिफेंस टेक्निक दिखाएं इस मुकाबले में, लेकिन फिर से अंक गवाते हुए। और जिस सहजता के साथ गिराया था आखिरी क्षणों में और मुकाबले को बिल्कुल एक तरफा बना दिया, और अब तकनीकी फॉल का खतरा मंडराता हुआ 9 अंकों का अंतर हो गया दोनों पहलवानों के बीच। यदि 10 अंकों का अंतर होता है तो कुश्ती को वहीं छुड़वा दिया जाएगा, लेकिन अब देखना है 8 सेकंड में अपनी कितनी इस खूबी को दिखाती है। उन्होंने गहरी पट लगाने की पहले कोशिश की थी, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, लेकिन यहां क्योंकि घड़ी की रफ्तार बहुत तेज बढ़ती हुई 57 और इसके साथ ही ये समय समाप्त हुआ, और एडलिन ग्रे वर्ल्ड चैंपियन ने अपनी ख्याति के अनुकूल शानदार प्रदर्शन करते हुए ये विजय हासिल किया। और इस प्रतियोगिता के स्तर का अंदाजा आप इसी से भी लगा सकते हैं कि यहां 2 वर्ल्ड चैंपियन उतरे, और अभी दूसरा वर्ल्ड चैंपियन जीता एडलिन ग्रे के रूप में, और इससे पहले व्लादिमीर खिंचेव गैशली ने मुकाबला जीता था पंजाब के लिए। जी हाँ, अब दोनों ही टीम बराबरी पर है, 2-2 मुकाबले दोनों ने जीत लिए हैं। एडलिन से यही उम्मीद की जा रही थी, वर्ल्ड चैंपियन को जब मुंबई की टीम ने अर्जित किया था तो उनसे यही उम्मीद थी कि वो अपना मुकाबला जीतेंगी।